आप जिस राजीव से फेसबुक पर बातें करती हैं वो राजीव नहीं बल्कि रेहान है और वो मुस्लिम है। तुम ये जानते हुए मुझसे प्यार करती कि मैं एक मुसलमान हूँ? एक मुसलमान वो है, एक आप है। चल सकते हो मेरे साथ मंदिर, लेकर आ सकते हो अपने पूरे परिवार को मंदिर में। क्या बकवास कर रही हो प्रिया? हाँ? प्रिया गांधी, सॉरी मैं आपको नहीं जानती, और आपको मेरा नाम कैसे पता है? आप हो कौन? मैं सरफराज, राजीव का दोस्त। उसके बारे में कुछ जरूरी बात करनी थी आपसे। हाँ बोलिए। चलिए कहीं बैठ के बातें करते हैं। या श्योर। बताइए क्या बताने वाले थे आप? आप जिस राजीव से फेसबुक पर बातें करती हैं वो राजीव नहीं बल्कि रेहान है और वो मुस्लिम है। What? क्या बातें कर रहे हैं आप? मुझे पता था आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं होगी, लेकिन यही सच है। आपको कैसे पता मेरा राजीव ही रेहान है? मैं और राजीव, सॉरी रेहान, दोनों दोस्त हैं और दोनों साथ ही रहते हैं। एक दिन वॉशरूम में मैं नहा रहा था। कुछ देर बाद जब मैं वॉशरूम से नहा कर निकला तो देखा रेहान। क्या है ये सब? चुप, एकदम चुप, शांत होके बस देखता जा। और अभी मैं रेहान नहीं, राजीव हूं। आगे आगे देखिए राजीव क्या करता है। हेलो। हाँ राधे राधे। राधे राधे। कैसी हो? अच्छी हूँ, तुम? मैं ठीक हूँ। और बताओ। वीडियो कॉलिंग पे आओ ना। ओके एक मिनट। ओके ओके ओके। चल दिखाता हूँ तुझे। आ बैठ। हेलो। हाय। बहुत खूबसूरत लग रही हो। ओह रियली? यस मेरा बाबू। अभी 5 दिन बाद किए हुआ ने? और बाबू सोना होने लगा। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मिस प्रिया गांधी, कहने को सिर्फ 5 दिन है, लेकिन तुमसे बात करके जो एहसास हुआ है वो 5 जन्मों से कम नहीं है। फ्लैटिंग करना बंद करो। पहले स्माइल करो। नहीं करूंगी, मर जाऊंगा फिर। फिर तुमने ऐसा बोला? अब और नहीं करूंगी बात। अब नहीं बोलूंगा, स्माइल प्लीज। थोड़ा दूर से देख। ये अंधेरा क्यों हो गया है? वो एक्चुअली लाइट फ्लैक्चुएट कर रहा था, और कोई बात नहीं। एक बार और मुस्कुराओ ना। हाय तेरा मुस्कुराना, I love you, जान। बहुत जल्दी नहीं जा रहे बच्चों? लेकिन ये प्रिया गांधी इतनी जल्दी किसी की हाथ नहीं आने वाली। हाँ वो तो तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट से पता चल रहा है। क्या पता चल रहा है? यही कि तुम मुझसे प्यार करने लगी हो। ओ हेलो, नो वे। मेरी कसम खा के कहो ये सच नहीं है? तुम्हारी खामोशी ने सब बता दिया है। तुमको मेरी कसम, तुमको बताना ही होगा। लेकिन लेकिन वेकिन कुछ नहीं। हाँ कसम दिया है मैंने। हाँ या ना? कसम नहीं देना चाहिए था ना। हाँ या ना? हाँ। I love you मेरी गांधी। Love you too राजीव। From today we are राजीव गांधी। सुनो ना। बोलो ना। मिलते हैं और कहीं घूमने चलते हैं ना? ओके बाय। गुस्सा हो गए? हाँ। गुस्सा क्यों करते हो? मिलना कहाँ है? तुम बताओ। पार्क, गार्डन, ट्रेन, बस, रेस्टोरेंट, एनीवेयर। जेवियर्स कॉलेज के सामने वाले गार्डन में। ओके कब और कितने बजे? 12 बजे तो मेरा क्लास है।
12:30 बजे कैसा रहेगा? सिट, कल 2 बजे तक तो मैं एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में रहूंगा। फिर परसों मैं गांव चली जाऊंगी 1 महीने के लिए। थोड़ी देर वेट नहीं कर सकती मेरे लिए, प्लीज? जैसे ही 2 बजे मेरा मीटिंग समाप्त होगा ना, मैं तुरंत सीधा तुम्हारे पास आऊंगा। ओके, आई लव यू, बाय। दोस्त है तो क्या, इतने गंदे इंसान के साथ मैंने भी नहीं रहने का फैसला किया है। आज पता है 12:30 बजे आपसे नहीं मिलने का कारण, आज जुम्मा है और वो दुआ मांगने दरगाह गया होगा, मुझे भी जाना है। नहीं विश्वास होता है तो चलकर देख लीजिए। I can't believe this happened with me. आपने मेरे साथ बुरा होने से बचा लिया। एक मुसलमान वो है, एक आप है। कैसे आपका धन्यवाद करूं? इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं है बहन, मैंने एक सच्चा मुसलमान होने के नाते सच का साथ दिया है। मैं लेट हो रहा हूँ, अपना ख्याल रखना, खुदा हाफिज। थैंक यू भैया। हेलो, कहाँ हो? पार्क में कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। अभी जस्ट मीटिंग से फ्री हुआ हूँ, आ रहा हूँ। ओके। मुसलमान से हिंदू बनने का जो सफर है वो मुझे पता है। हेलो। हेलो राधे राधे। राधे राधे। मैं पार्क में हूँ। किधर हो? इधर सामने। हो, हेलो, हाय। हेलो। वेलकम मिस्टर रिहान खान। क्यों, मैंने गलत कहा? कह दो कि ये भी झूठा है। एक्चुअली ये सब मैंने तुम्हारे प्यार को पाने के लिए किया है। तुम्हारी गंदी जुबान पर ये शब्द शोभा नहीं देता। तो क्या तुम ये जानते हुए मुझसे प्यार करती कि मैं एक मुसलमान हूँ? वो तो बात की बात है, करती कि नहीं करती, लेकिन तुम्हारे लिए मेरे दिल में इज्जत तो बनी रहती। तो क्या अब तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई प्यार नहीं? जिस रिश्ते की बुनियादी झूठी हो, उस रिश्ते को खत्म कर देने में ही फायदा है। तुमने मुझसे झूठ कहा, तुम एक मुस्लिम होते हुए भी अपने आप को हिंदू बताया। अरे प्यार करने वाले कोई जाति, कोई धर्म, कोई मजहब नहीं देखते। लेकिन मैं देखती हूँ। चल सकते हो मेरे साथ मंदिर? मैं मंदिर से शादी करूंगी। लेकर आ सकते हो अपने पूरे परिवार को मंदिर में? क्या बकवास कर रही हो? प्यार करने में और छल से किसी को फंसाने में फर्क होता है। तुमने जो मेरे साथ किया वो माफी के लायक भी नहीं है। तुम में अगर थोड़ी सी भी शर्म बाकी हो ना, तो कभी अपना शकल मत दिखाना। गेट लॉस्ट।